हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ की चर्चित महिलाएं, जो कि आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न, राष्ट्रीय जूनियर एवं सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किन्होंने जीता? ज्ञानेश्वरी यादव ने। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार छत्तीसगढ़ में किसे प्राप्त हुआ है? तो किनको प्राप्त हुआ है? डॉक्टर ममता चंद्राकर जी को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किनको मिला है? अंजिता साहू जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किनको किया है? तीजन बाई जी को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस छात्रा ने राष्ट्रीय लंबी कूद प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो किन्होंने जीता? नीलावती नागजी ने जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस महिला ने सांसद पुरस्कार जीता है? तो किनको मिला है? छाया वर्मा जी को मिला है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वरना आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे और भूल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किस महिला को सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किनको दिया गया है? यह रेखा कुजूर जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2023 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो कौन करने जा रही हैं? जानवी सोनी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब जीती? तो कौन जीती हैं? अदिति शर्मा जी ने जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग कप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किन्होंने जीता है? मंजू साहू जी ने जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 जनवरी 2023 के अवसर पर छत्तीसगढ़ की किन दो बहादुर बेटियों को सम्मानित किया गया? तो किनको किया गया है? छाया विश्वकर्मा और जम्बावती भुआरिया जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किनको किया जाएगा? अंकिता पांडे शुक्ला जी को किया जाएगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप हैं मधुलिका रामटेके। तो ये था दोस्तों वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ की चर्चित महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।